माननीय राज्यपाल महोदय जी से बात करके ये जो अलग अलग विभागों के जो हड़ताली कर्मचारी हैं, जो अपनी जस्टिफाइड डिमांड्स को लेके इस समय चैन हंगर स्ट्राइक पर हैं, इनके मामलात को हल करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से उनसे गुजारिश भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि मैंने पहले भी इनके एक डेलीगेशन को लेकर स्वयं राज्यपाल जी के ऑफिस में गया था, मैं दोबारा से पुनः कोशिश करके वो डायलॉग दोबारा से बातचीत शुरू हो। और माननीय उपराज्यपाल जी ने कहा था कि इन तमाम विभागों के तहत काम करने वाले जितने भी मुलाजिम हैं, इनकी समस्याओं का समाधान हो, उनको भी चिंता है, वो भी चिंतित हैं, कोई ना कोई इनका समाधान निकले, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और मैं प्रयासरत हूँ कि जो इनकी एक इनकी कमेटी है, ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर एसोसिएशन, श्री रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह जी, जसवीर जी, इनकी एक इन सभी जो प्रतिनिधि हैं, इन सभी चैन हंगर स्ट्राइक में बैठे जितने भी साथी हैं, उनकी उनकी एक मुलाकात माननीय उपराज्यपाल महोदय से हो और इनके मामलात का हल हो। इनको उम्मीदें भी बहुत हैं और भरोसा भी बहुत ज़्यादा है, क्या कहोगे राणा साहब, जिस तरीके से ये जितने भी डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंटों में हैं, ये अपने डिपार्टमेंटों की रीढ़ की हड्डी है। एक दिन भी ये डेली वेजर्स मुलाजम अगर हड़ताल स्ट्राइक पर चले जाएं, तो जिस जिस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स का काम बंद हो जाता है। तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है, इनके कारण डिपार्टमेंट्स चलते हैं, और ये अगर काम छोड़ो हड़ताल करते हैं तो फिर सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इनके मामलात का हल हो।